रामदेव को अगर धन इकट्ठा करना था तो व्यापार के नाम पे इकट्ठा करता है ना। उसने पूरे दुनिया भर से, किसी ने आयरलैंड दे दिया, किसी ने, कितने लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी देश के नाम, और पूरा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बना, सब गायब, सबका व्यापार हो गया। राजीव भाई सही कहते थे कि ये संत नहीं हो सकता, ये व्यापारी हो सकता, और है। इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि वो पैसे वाला बहुत ज्यादा, वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हम लोगों के चैनल को रुकवा सकता है, हम लोगों पे आपत्ति कर सकता है, हम लोगों के बात, अच्छा इसमें कोई हम गलत तो बोल नहीं रहे, हम महाभारत स्वाभिमान का इतना करोड़ों रुपए का वहां पे बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं, वो तो हम लोगों की जगह है, जो हम लोग जुड़े थे, हम लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं। अरे तुम्हें व्यापार करना है, तुम व्यापार करो, अरे हमें दे दो पैसा, तुम व्यापार से इस राष्ट्र को बचाने के लिए तो लगा दो, अगर तुम पीछे हट गए, बिक गए, कुछ भी हो, इतनी तो शर्म आनी चाहिए। अभी हम तरुण कोठारी जी के साथ हमने जंतर मंतर जाकर के पहली FIR दर्ज की, उसमें रामदेव को भी बोला कि आप आ जाओ। मैंने जयदीप आर्या को फोन किया कि भैया अगर आप लोग नहीं मूवमेंट करना चाहते हो, आप लोगों को व्यापारी करना है, तो आप ऐसा करो हम सबको मदद करो। हाँ होना चाहिए, वो दूसरे दिन ही वो पलट गया, उसने कहा सबको लगवा लेनी चाहिए। अब तो कोई ना कोई तो तुम्हारा लीक पॉइंट है, वो लोग जो तुमको ये दबा के रखते हैं, कहां गई वो हिम्मत, कहां थी वो गर्जना जो राजीव भाई के टाइम पे बोलते थे। तुम्हारी वो सारा ड्रामा ही तो हुआ ना, नौटंकी तो हुई ना, देश आजाद हुआ, तुम तो अरबपति हो गए, ना कोई व्यवस्था परिवर्तन हुई, और सात समुन्द्र पार पहले भी देश चल रहा था, आज भी चल रहा है, वो चलता रहेगा क्योंकि हमारे गद्दार बिकते रहेंगे। आज बड़ा दुख लगता है कि हम लोग पूरी लाइफ हम लोगों ने लगा दी, मेरे ख्याल से अपना मैंने जवानी का पूरा पीरियड लगा दिया, घर बार छोड़ करके बैठा, लेकिन इन मक्कारों के चाल चरित्र सारे चलन मैंने पिछले 15 साल में देख लिए कि ये केवल व्यवसायी है, ये हम लोग हमसे नहीं मिलते तुरंत, लेकिन कोई पैसे वाला आ जाए जो 60-40 का रेशो करने, वो फट से अंदर घुस जाएगा, हो जाएगा इनके पास, ये ठग है। अस्तो जी ये महामक्कार है मेरे सामने, ये सब मेरे, हम लोग सारे आयोजन में रात रात दिन एक एक दिन लगते थे, हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट और वहां पे जंतर मंतर सब जानते हैं अधिकारी, हम लोग रात दिन वहीं रहते थे 24 घंटे, कभी इधर लग रहा है, कभी उधर लग रहा है, कभी फरीदाबाद लग रहा है, कभी दिल्ली के आसपास, हम 24 घंटे इसी काम में रहते थे। हम लोग बिल देते थे जो जो काम, जो हम लोग बाहर थे, होर्डिंग पोस्टर ये सब लगते थे, जो वाइंडर जो रामलीला ग्राउंड में जितना भी सेटअप लगता था उनकी पेमेंट हम लोगों के हाथों होती थी, हम लोग करवाते थे, ये करा इसने, एक एक दिन हम लोग एक एक पल में जी। जी ये जो पूरा मूवमेंट हुआ, ये पैसा कौन दिया? ये जो चंदा आता था वहीं से होता था पेमेंट, अब वो 60-40 कैसे करोगे आप सोचो, वो भी तो दिखाना है ना, तो ये नौटंकी इसलिए की जाती थी। राजीव भाई के बाद जो जितनी मूवमेंट हुई है वो इसीलिए की जाती थी कि यार चलो चलो। और मजे की बात देखिए, जिस समय रामलीला ग्राउंड के अंदर डिबेट चल रही थी कपिल सिब्बल और रामदेव की, उस समय सच में कपिल सिब्बल बिल्कुल सही बोल रहे थे, वो एक पर्चा दिखा रहे थे कि रामदेव जी आप सारा समझौता कर चुके हो, और सच में समझौता कर चुका था, वो डील हो चुकी थी, हम बेवकूफ थे। क्यों? क्योंकि कपिल सिब्बल जी के पास जो पत्रकार खड़ा हुआ था, उससे मैं बाद में मैंने मेरी बातचीत हुई तो उसने कहा दादा आप क्यों परेशान रहते हो, ये सब होता है, मुझे बड़ी गुस्सा आई, मैंने कहा तुम लोग झूठ बोलते हो, वो बात फिर दोबारा हुई,